You are watching the Radio Adda Show, sponsored by Swastik Masale. Hello, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं रेडियो अड्डा, एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा. और आज एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र से काम करना शुरू किया और आज ऐसी ऊंचाइयों को छू रहे हैं कि आप इनसे मिलके इतने मोटिवेट हो जाएंगे. और शायद ये जो शेर है, ये जो प्रोवर्ब है, ये इन्हीं के लिए लिखी गई है. कहते हैं, कर खुद को तू बुलंद इतना कि खुद खुदा भी तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है. प्लीज़ अलाउ मी टू वेलकम ऑन रेडियो अड्डा सौरभ चौहान, जो ना सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेटर हैं, बट ही इज़ अ ट्रेल ब्लेजर इन वेलनेस. हाय सौरभ, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच स्वाति, मैं बहुत अच्छा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर द रेडियो अड्डा शो. सो जैसे कि आपने एक ये शेर बोला मेरे लिए ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे आके आपकी टीम से मिलके, बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे मोटिवेटर्स यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सच पूछे तो आज कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो खुद में ही है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ आज शुरुआत में कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है. सो बेसिकली मेरी मोटिवेशन ऐसा है कि फिटनेस को लेके पूरा, मतलब हमारा बिजनेस जितने भी हैं वो सारे फिटनेस को लेके हैं ना. बट इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है वो होती है पैसा, है ना. जब 18 साल की एज में आप कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं ना और आपको कहीं से अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे बड़ी मोटिवेशन मैं नहीं मानता कि कुछ हो सकती है. तो इनिशियल लेवल पर जब हमने स्टार्ट किया, जब हम स्टार्ट कर रहे थे, तो कॉलेज में मतलब बच्चे मेरे साथ के, मतलब वो बाकी चीज़ों में एंगेज रहते थे, है ना. मैं उस टाइम पे अपना छोटा सा एक स्टार्टअप था, वो कंपनी ने मैंने स्टार्ट कर दिया था. वहाँ से मुझे अच्छी खासी अर्निंग आ रही थी, मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस खुद से भर रहा था, है ना, उस टाइम पे एट अ इनिशियल लेवल, है ना. तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए वही रही है कि भाई खुद से अर्न करना, खुद से सारी चीज़ें करना, खुद से सीखना, रिसर्च कैसे होती है ना, चीज़ों के बारे में जानना, यही मोटिवेशन है. तो यूजली हम कोई स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो बहुत सारी अक्सर चैलेंजेस आती हैं, दिक्कतें आती हैं. तो क्या थोड़ी आप लाइट डालना चाहेंगे कि क्या क्या परिस्थितियों से आप गुजरे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में है ना. वो कुछ भी है, कुछ भी चीज़ आसान नहीं है, है ना. आज के टाइम में बिल्कुल आसान नहीं है कुछ भी चीज़. बिजनेस करना भी आसान नहीं है, जॉब करना भी आसान नहीं है ना, 9 to 5, ये भी आसान नहीं है, 9 to 5 जॉब करना भी, सारी चीज़ें मुश्किल हैं. कोई भी अगर मतलब यंगस्टर हैं, वो अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, तो वो भी सबसे पहला जो उन्हें पॉइंट टिगर करेगा वो यही करेगा कि पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना. सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि पैसा कहाँ से आएगा. बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना. पहले आप एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, ना. बेसिकली बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. आजकल AI का ज़माना है ना, AI लोग बाग यूज़ कर रहे हैं ना, ChatGPT हो गया है ना, और Shopify है, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर आप जाके चीज़ें सीख सकते हैं. उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. वहाँ से सीखें, मोटिवेशन लें और अपना कोई प्रोडक्ट के बारे में पूरी रिसर्च करें. जिस भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं उसकी पूरी रिसर्च करें. रिसर्च करने के बाद में अपनी एक वेबसाइट बनाइए. वेबसाइट बनाने में कोई पैसा नहीं जाता, है ना. इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तभी आपका बिजनेस चलेगा. प्रेजेंस अपनी बहुत अच्छी बनाइए, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट बनाइए, है ना. लोगों तक पहुँचिए जब तक आप खुद, मतलब जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कहाँ आपका फाइनल क्लाइंट क्या है, फाइनल आप किसको प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, उन तक पहुँचिए, है ना. यही है बेसिकली. ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं. डिफ़िकल्टीज तो सब चीज़ में है ना, सभी चीज़ों में है. कुछ भी चीज़ आसान नहीं है आज के टाइम में. तो खुद से, अगर खुद में कॉन्फिडेंस है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सभी चीज़ें आसान है फिर. क्या बात है, क्या खूब कहा आपने. तो जैसा कि आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें, तो यूथ आजकल बहुत नए नए स्टार्टअप्स में जाना चाहती है, ऑनलाइन बिजनेस में जाना चाहती है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली बिल्कुल जा सकते हैं ऑनलाइन. देखिए क्या है, पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कि लोग, मतलब हम अपने क्लाइंट तक पहुंच नहीं पाते थे. आजकल क्या है, हम वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं. चाहे मैं यहाँ बैठा बैठा अपना क्रॉड UAE में अगर बेचना चाहता हूँ, US में बेचना चाहता हूँ, चाइना में बेचना चाहता हूँ, कहीं भी बेचना चाहता हूँ, तो एक प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है ना, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स जिसे बोलते हैं. तो वहाँ जाके हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. लेट सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, इसको मुझे बेचना है, तो मैं कैसे बेचूंगा ऑनलाइन ई कॉमर्स के थ्रू, है ना. सबसे पहले मैं एक अपना वेबसाइट बना लूँ, अपने वेबसाइट पर उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लूँ, है ना. उसके बाद मैं अमेज़ोन की मैं हेल्प ले सकता हूँ जो कि ग्लोबली काम करता है ना. फ्लिपकार्ट की मैं हेल्प ले सकता हूँ, आजकल एक नया है मीशो,
ईबे, इनकी हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल के अपने रिव्यूज डलवाएं कि भाई आप मेरे लिए एक रिव्यू कर दो, है ना। तो रिव्यूज आपके होंगे, आपकी मतलब थोड़ी सी प्रेजेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। क्रिएटिव्स मेन चीज है ऑनलाइन में, क्या चीज बिकती है, जो सबसे अच्छी जो चीज वो बिकती है, जो दिखेगी अच्छी, है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले कि उसके जो क्रिएटिव्स होंगे, जो हम इमेजेस डाल रहे हैं, वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छे होने चाहिए, जिन्हें आप खुद परचेज कर सकें। ऐसे वो इमेजेस होने चाहिए कि आप भी अगर कुछ ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं चीज़ों की पिक्चर्स बहुत अच्छे से हैं, है ना, रिव्यूज उस पर अच्छे डले हुए हैं, तभी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं। Right. तो ई कॉमर्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को डेवलप कराने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स। तो आपने जैसे कहा जो दिखता है वो बिकता है, तो देखिए आप दिखते भी अच्छे हैं और माशाल्लाह इतनी सफलता आपने अभी से अकम्प्लिश कर ली है, भगवान करे और ऊंचाइयों पे आप जाएं। तो कभी सोचा नहीं कि जैसे हर टिपिकल दिल्ली वाले लड़के की तरह कि यार मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, क्यों ना एक्टिंग में ट्राई करूँ बॉम्बे जाके। थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। बाकी अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा है ना कि भाई एक्टिंग करें या कहीं भी किसी में जाएं, तो अभी देखते हैं आपके पॉडकास्ट है, अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल ट्राई करेंगे। चलिए हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आपने जैसे बात की ई कॉमर्स साइट्स की, तो मीशो, ईबे ये नए प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट्स बेचने का इन साइट्स पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए ऐसा है कि मेरी खुद से 3-4 ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे काम कर रही है ना। मेरे सारे प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे वेलार्क के नाम से, मॉर्फिट के नाम से, मार्स न्यूट्रिशन, ये मेरे अपने ब्रांड हैं। एक मेरा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है कैलाश वेदा के नाम से, है ना, विच इज़ आई एम सपोर्ट प्रमोटिंग फॉर, मतलब नेचुरली जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं मतलब कॉस्मेटिक ब्रांड्स में। तो वो भी अगर आप जाके सर्च करेंगे वो आपको दिख जाएगा। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरा 2-3 ब्रांड्स का तो ओवरऑल सेल जो आता है वो ई कॉमर्स से ही आता है, right. है ना, तो वो बहुत अच्छा है, मतलब आज के टाइम में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ई कॉमर्स का। राइट right. तो आपने जैसे ही बोला ई कॉमर्स, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी जेनरेट हो गई। तो जितनी हमारी फैंस आपकी गर्ल्स यहाँ देख रही हैं आपको, तो कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें आजकल ये बिजनेस भी बहुत बड़ा हो गया है, तो कैसे पता लगे कि क्या प्रोडक्ट ठीक है, वो क्या डूज एंड डोंट्स हो जो हम एक प्रोडक्ट को चेक करने से पहले ले सकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, आजकल होता क्या है आजकल की जनरेशन में, वो लेबलिंग की जो गाइडेंस है ना, गाइडलाइंस हैं, उनको नहीं पढ़ते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं वो जो भी उसका लेबल ऊपर लगा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए गए हैं ना, कोई सब्सटेंस ऐसा तो नहीं है जो बैंड है, है ना, कुछ बैन सब्सटेंस तो उसके अंदर नहीं डाले गए हैं ना। तो अगर आप देखते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब मिसलेबलिंग तो कर नहीं सकता है ना, तो आप उसमें ये देखिए कि FDA से अप्रूव्ड है या नहीं है कोई भी प्रोडक्ट, जो भी उसके सर्टिफिकेशंस होते होंगे, चाहे वो GMP हो गया, ISO हो गया, है ना, जो भी उसके सर्टिफिकेशंस होते हैं FDA अप्रूव्ड है वो नहीं है ना, तो WHO ऑर्गेनाइजेशन हो गया है ना, तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को देखती हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट में कुछ मतलब अगर कोई बैन सब्सटेंस यूज़ कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले हम यही देखें कि उसकी लेबल पे पढ़ें कि कोई ऐसे सब्सटेंस जो उसमें मतलब हार्म कर सकते हैं हमारी स्किन को या कुछ खाने वाले भी हो सकते हैं, तो वो हम उसे फिर ना यूज़ करें, उसका बायकॉट ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं फिटनेस की, तो आप खुद एक फिटनेस फ्रीक हैं जैसे आपने कहा, तो जो फिटनेस फ्रीक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए मेरी यही सलाह है, देखिए हर किसी के पास आज के टाइम में उतना टाइम नहीं है कि वो जिम जाए, है ना, कि रेगुलर सब अपने काम में बिजी हैं, सबको देखिए होना ये चाहिए कि हमें काम एक अलग चीज़ है कि पहले हमें अपने लिए टाइम निकालना है। बेसिकली मैं एक बात हमेशा सबसे बोलता हूँ कि हम इस दुनिया में आए हैं, है ना, तो ये जो शरीर है, ये बॉडी है, ये हमारी जिम्मेदारी है इसको मेंटेन रखना, है ना, कि भाई इसको हम कैसे परफेक्टली हम इसे फिट रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है। सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना कि हम जो खा रहे हैं वो कितना हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, कोई हार्म तो नहीं करेगा, है ना। तो जंक फूड हम बेसिकली आजकल आप देखते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, मतलब भर भर के शुगर उसके अंदर है, वो भी हम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि हम इन चीज़ों का बायकॉट करें, इनको थोड़ा सा कम करें, छोड़ भी नहीं सकते तो इतना है कि थोड़ा सा कम कर सकते हैं एटलीस्ट, और 1-2 घंटे अपने लिए फिटनेस के लिए निकालें।
कुछ लोग जो जिम नहीं जा सकते वो अपने घर पर वर्कआउट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी एक स्पोर्ट्स में एंगेज हो सकते हैं। वो स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, है ना, किसी भी आउटडोर एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है ना, जो भी हम आउटडोर जाके खेल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि भाई जिन लोगों को जिम नहीं जाना, योगा नहीं करनी, टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम निकालें इस चीज़ के लिए कि अपने आप को एंगेज रखें बेसिकली किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, आउटडोर एक्टिविटी। एब्सोल्युटली, जैसा कि सौरभ जी ने कहा कि कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतना स्ट्रेस है बाहर। तो अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, यू विल हेल्प टू गेट सम मी टाइम, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें एंड जो आपके इंटरेस्ट हैं, थोड़े हॉबीज हैं, उसे परस्यू करें और थोड़ी देर जिम कर ले, थोड़ी योगा करें। आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ हमें घर बैठे बैठे जूम्बा, डांस क्लासेस, सब कुछ मिल जाता है, तो कोई भी एक्टिविटी थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम फिटनेस पे बात कर ही रहे हैं सौरभ, तो आप हमें ये बताइए कि आजकल सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग में है या जो जिम ज़्यादा जाते हैं, तो कहते हैं प्रोटीन इनटेक आपका खाने से पूरा नहीं होता है, तो सप्लीमेंट्स लेने इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता लगे कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए और क्या सप्लीमेंट सेफ हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सप्लीमेंट ज़रूरी भी हैं लेने के लिए, है ना। सो बेसिकली सप्लीमेंट का मतलब क्या है, सप्लीमेंट का मतलब है एडिशनल, सप्लीमेंट्री, है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को सप्लीमेंट लेना है, चाहे वो वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सप्लीमेंट लेना ही है, अगर बशर्ते कि अगर वो आप अपना प्रोटीन कंटेंट अपनी किसी नेचुरल डाइट से पूरा कर रहे हो, है ना। कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक प्रोटीन, अगर प्रोटीन आप नेचुरल चीज़ों से ले रहे हो, वो दाल हो सकती है, सोयाबीन हो सकती है ना, घर में जो जितनी भी नेचुरल चीज़ें बनती हैं उनसे अगर आपका प्रोटीन का इनटेक पूरा हो रहा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से प्रोटीन खरीद के पीने की, है ना। तो सप्लीमेंट इज बेसिकली एडिशनल, बट बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनका प्रोटीन इनटेक बहुत ज़्यादा होता है ना। नॉन वेज सब खाते हैं, तो नॉन वेज में क्या है, जितना भी वो खाते हैं सब प्रोटीन की जो उनकी डाइट है ना, वो प्रोटीन इनटेक उसका हाई है। बट इंडिया में क्या है, कार्ब्स का इंटेक बहुत ज्यादा हाई है, चाहे वो हम रोटी ले लें, चावल ले लें, जितनी भी चीजें हैं उसमें कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन का इंटेक कम है। तो बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा क्या प्रमोट करता है, वो है प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन जब हमारी डेफिसिट में जाएगा हमारा प्रोटीन, तो बॉडी बिल्डिंग मतलब फिर काम नहीं करेगी, तो आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, है ना। तो या तो आप अपना नेचुरल तरीके से ले लो, या आपको एडिशनली बाहर से लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन तो जरूरी है ही बॉडी के लिए, पर लेकिन पता कैसे लगे कि कौन सा सप्लीमेंट ठीक है या नहीं है, क्या चेक करें सप्लीमेंट्स के लिए? देखिए, प्रोटीन को टेस्ट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, है ना, कि हम कैसे जाने कि क्या प्रोटीन कितना अच्छा है, कितना मतलब बेकार है, जो भी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसकी टेस्टिंग होती है, हैवी मेटल डिटेक्ट एक टेस्टिंग होती है, अगर नॉर्मल लोग शायद उसे नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो कंपनीज कराती हैं। तो मेनली जैसे मैंने आपको कॉस्मेटिक का बताया कि उसकी गाइडलाइंस हम पढ़ें, लेबलिंग पे इन्होंने क्या दिया हुआ है ना, और सर्टिफिकेशन किस किस से वो अप्रूव्ड है। बेसिकली जितने भी खाने पीने की चीज़ें आती हैं, FSSAI ये गवर्नमेंट का वो है, उससे अप्रूव्ड होती हैं। अगर किसी भी चीज़ का जो मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं वो FSSAI से अप्रूव्ड है, तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें उसके ऑडिट में आ रही हैं, वो चीज़ें ऑडिट हो रही हैं FSSAI के द्वारा, है ना। तो उसके लेबल्स पे हम पढ़ें कि इनमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई चीपर मतलब फिलर उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, है ना, विच इज़ माल्टोडेक्सट्रेंट आजकल प्रोटीन्स में आता है कि वो क्या करते हैं, प्रोटीन का कंटेंट कम करके वो फिलर्स यूज़ करते हैं प्रोटीन का वो बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो हम चीज़ें देख सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा तो नहीं है, प्रोटीन कंटेंट कितना है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ टेस्टिंग किट्स भी आती हैं जो स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट हो गए या नॉर्मल जो मतलब कंज्यूमर हैं वो यूज़ कर सकते हैं उन्हें, और वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात जो लोग बॉडी बिल्डिंग में हैं या जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स की ज़्यादातर नीड उन्हें है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स नहीं कंज्यूम करते हैं वो ऐसी क्या चीज़ें कंज्यूम करें कि बॉडी फिट रहे? तो सबसे पहले तो कंज्यूम करने के बजाय अगर वो अपनी डाइटिंग पे ध्यान दें, डाइटिंग एज इन की मतलब बाहर की चीज़ों का अगर थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा बायकॉट करें तो ज़्यादा बेटर है, है ना। क्योंकि घर में तो हमारे घर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं मैं समझता हूँ सभी हेल्दी हैं, है ना, रोटी हेल्दी है, दाल बनती है ना, सब्जियाँ जितनी भी बनती हैं वो सारी हेल्दी हैं, उसमें ऐसा कुछ अनहेल्दी है ना घर में नहीं बनता है, है ना। जितने भी ऑयल्स हो गए, है ना, नेचुरल ऑयल है घर में जो भी बन रहा है ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अनहेल्दी है। तो सबसे पहले तो करना यही है अपने रूटीन में कि भाई हम बाहर की चीज़ें थोड़ा सा मतलब अवॉइड करें। तो सबसे बड़ी फिटनेस तो वही है जब हम बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगे। इसमें एक छोटा सा ऐड करूंगा, रात का खाना, है ना, कि अगर हम अपने डेली रूटीन में अगर हम अपना रात का खाना स्किप कर दें या अपना 6 बजे से पहले खा लें,
तो जिन लोगों का पेट निकल जाता है ना तो उन बाहर आ जाती है, तो सबसे बड़ा रीज़न है ना फैट बढ़ने का कि हम ना रात को लेट में खाना खाते हैं और फिर उसके बाद कोई हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होती है नहीं, है ना। तो हमें 6 बजे से पहले खाना खा लेना है और 6 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना है। अगर 6 बजे से ज़्यादा हो गया है तो आप अपना जूस पी के या पानी पी के सो जाइए, है ना, या कुछ भी जो आप खा सकते हैं। सलाद तो वैसे ये खाने नहीं चाहिए, मतलब सुबह में खाने चाहिए, रात में हमें कोई भी फ्रूट ऐसा लेना नहीं चाहिए। ओके सो तो हम उसके बाद ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। 6 बजे के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, 6 बजे से पहले हम खा सकते हैं डिनर अपना। तो सौरभ जी ने 6 बजे के बाद हमारा खाना बंद करवा दिया, उन्होंने हमारा दिल्ली वालों का जंक बंद करा दिया। अब चल रहे हैं फेस्टिवल, ये फेस्टिविटीज का टाइम है सौरभ जी, तो कुछ रियायत दे दीजिए कि कोई एक चीट डे हो जाए जब थोड़ी मिठाइयाँ खा लें, थोड़े से मोमोज खा लें। अब कैसे रहें मोमोज से दूर, या तो कोई हेल्दी वे है कि घर पे बनाएं ऐसी कोई चीज़ें, कोई चीट डे, कुछ ऐसी टिप तो आप देना चाहेंगे हमारे यूथ को? देखिए घर में ही, हमारे घर में ही बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बाहर ये मोमोज का हो गया है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में रखी चीज़ों से, बेसन का आप चीला खाइए, है ना, बेसन का चीला बाहर भी मतलब मिलता है बट आप घर में बना के बेसन का चीला खाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, दाल को पीस के, बहुत सारी दालों को उनका कुछ ऐसा मतलब पेस्ट बना के उनसे आप उसको मतलब एक स्नैक्स के रूप में आप उसे खा सकते हैं, है ना, जो कि आपकी बॉडी में मतलब कुछ चेंजेस लाएगा वो ना, वो बेनिफिट करेगा। बट जो बाहर की चीज़ें हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं है, एक्सेप्ट मतलब नुकसान ही नुकसान है। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। थोड़ा दिल पे कंट्रोल करें, लंबी सांस भरें और कहें ऑल इज वेल, और जितना हो सके फ्रेश फूड, घर का बना खाना खाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और क्योंकि फेस्टिवल्स की बात चल रही है, दिवाली भी आने वाली है और अभी अभी दशहरा निकला है, तो देख रहे हैं बाहर लाइट्स वगैरह हैं और वेडिंग का सीज़न शुरू होने वाला है। अगर देखने वाली जो पब्लिक है, जो लड़कियां हैं, वो चाहें कि अपना मैट्रिमनी या बायोडेटा आपको भेजें, तो क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी क्वालिटी देख के आप सोचेंगे कि हाँ ये लड़की टिक मार्क की जा सकती है? सो बेसिकली ये काम तो मैंने अपनी मम्मी को दिया हुआ है ना, तो वही करेंगी तो मम्मी जी से हमें बात करनी पड़ेगी इसके बारे में, वही देखेंगी इस चीज़ के लिए। तो बाकी छोटा सा जो मैं उन्हें भी बोलता हूँ और अपनी फैमिली में भी, कि जो मतलब मेरा बेटर हाफ हो या जिससे मतलब मेरा मतलब जो भी होगा, तो वो होना चाहिए फिटनेस फ्रीक, है ना, वो जिम जाए, मैं जिम जाऊँ तो मेरे साथ जिम जाए, है ना, तो फिटनेस फ्रीक बेसिकली वो होना चाहिए और बाहर के खाने को अवॉइड करें। तो देखिए इनका, अगर इनका मैट्रिमोनियल जो डेटा बनेगा उसमें इनकी बायो होगी फिटनेस फ्रीक, लुकिंग फॉर अ फिटनेस फ्रीक, राइट? डेफिनेटली। या नहीं है तो ये बना देंगे। तो गर्ल्स इफ यू आर वॉचिंग दिस, तो प्लीज गेट रेडी टू बी इनटू फिटनेस सो दैट यू कैन, यू बोथ कैन वर्कआउट टुगेदर एंड लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। कोई कुछ ऐसा टिप्स बताइए, कोई ऐसा हेल्दी सा टिप जो लड़कियां इंप्रेस हो रहे हैं। तो आपको जिम तो मेन है कि आपको जिम तो जाना ही पड़ेगा। जिम जाने से होता क्या है, बेसिकली आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, जो रुक गई है तो वो होनी स्टार्ट होती है, है ना। एक मस्कुलैरिटी जो आती है वो एक जिम में जाने के बाद से ही आती है। आप एक हेल्दी अपना लाइफस्टाइल जब रखेंगे, अपना अच्छी चीज़ें खाएंगे, है ना, अच्छा वर्कआउट करेंगे, तो आपका माइंडसेट जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि शायद इन्हीं से लड़कियाँ इंप्रेस होती हैं। एक महत्वाकांक्षा जो मेरे चंचल मन में उत्पन्न हो रही थी वो ये थी कि आप कितना फॉलो कर पाते हैं। मैं डेफिनेटली 100% तो नहीं बट 90% तक फॉलो कर लेता हूँ, कि कई बार हम भी बाहर होते हैं ना, तो हमें बाहर का खाना खाना पड़ जाता है, कि भाई कुछ ऐसे स्नैक्स हैं या जो जंक फूड हैं जो हम भी कई बार कंज्यूम कर लेते हैं। बट पर्टिकुलरली ये रहता है कि अगर मैंने कुछ बाहर का खाया है तो मैं अगले दिन डबल वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट करूँ या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करूँ, तो जिससे वो मैं बैलेंस कर पाता हूँ चीज़ों को। सर कोई ऐसा मतलब आजकल बहुत टाइप के बिजनेस चल रहे हैं तरह तरह के, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, ठीक है, कोई वड़ा पाव वाला आ गया, ठीक है, ठीक। आपके मन में कोई वियर्डेस्ट आया हो ख्याल कि ये ऐसा बिजनेस करूँगा मैं? और ये नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आया बेसिकली, कोई वियर्ड इतना कुछ कि भाई कुछ ऐसा तुरंत हाँ कि एकदम से वायरल हो जाए कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि बेसिकली स्टार्टिंग से ही जब हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में हम थे स्टार्टिंग से ही। तो ये चीज़ें क्या है कि भाई ये तो बाई लक है कि आज मान लो चाय वाला कोई चल गया है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी सारे चाय वाले चलेंगे। वड़ा पाव गर्ल अगर चल गई तो ज़रूरी नहीं आगे भी कोई ऐसा वायरल हो जाए। तो मेरा तो यूथ को यही मैसेज है कि ट्राई कीजिए, सारी चीज़ आप देखिए, अगर आप भी कुछ ऐसे फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो मेहनत करिए और जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक सही तरीका है, उसको फॉलो कीजिए। सर जैसे आप मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमेशा
यही चीज़ें देखते होंगे आपके आसपास के जीवन में, और सबको यही एडवाइस करते होंगे, अपने जीवन में भी अप्लाई करते होंगे। लड़कियों को भी, फूडी जो लड़कियां होती हैं उनको भी यही एडवाइस देते होंगे। बिल्कुल देते हैं। ऐसा कभी हुआ है कोई लड़की आपसे इंप्रेस हो गई हो लेकिन बाद में वो इस वजह से चली गई हो कि ये बंदा यार हमेशा मेरे को ऐसी एडवाइस देता है कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रही हूँ। सो मतलब मैं आपको वैसा बता देता हूँ कि मतलब ऐसे तो ऐसा सच किसी लड़की से कोई मतलब इतना था नहीं कि भाई किसी को एडवाइस इतना किया हो। बाकी घर में है, जैसे हमारी मतलब मम्मी हो गई, हमारी बहनें हो गई, उनको बताते हैं, है ना, तो कई बार वो भी थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये तो हमेशा मतलब फिटनेस फ्रीक है या डाइट को लेकर करता रहता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बाहर का मत खाना। कभी उन्होंने बाहर से कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया तो उस पर गुस्सा करना कि भाई ये बाहर से क्यों मंगाते हो। तो घर में ये चीज़ें हो जाती हैं, बट बाहर हाँ इतना क्या फिटनेस फ्रीक, तो एक दिन तो सबको ही जाना। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरा पर्सनल ये रहता है कि मतलब ये रिफाइंड ऑयल का क्या है, मोस्टली घरों में रिफाइंड ऑयल यूज होता है, ये क्या कैसा मतलब? तो रिफाइंड ऑयल बेसिकली देखो, मैं तो बोलूंगा रिफाइंड ऑयल्स का अगर जितना भी हम बायकॉट करें तो ज्यादा बेटर है। रिफाइंड ऑयल बेसिकली क्या है, थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, चीपर है, तो एज कंपेरिजन टू, बट अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो जो हमारा शुद्ध ये बंगा का तेल आता है, सरसों का तेल जो आता है, वो सबसे बेटर है अगर हम कुकिंग में, है ना, कुकिंग प्रोसेस में अगर हम यूज़ करते हैं, हाँ, तो सबसे बेटर है कि हम सरसों का तेल यूज़ करें। आजकल सर मैं देखता हूँ कि इंस्टा पर मोस्टली जो है इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो इंस्टा वाले डॉक्टर्स हैं, इंस्टा वाले जिम ट्रेनर्स हैं, वो ज़्यादातर मिसगाइड कम कर रहे हैं, मिसगाइड ज़्यादा कर रहे हैं, उनके बारे क्या कहना चाहोगे? देखिए मिसगाइड करने का उनका क्या है कि आजकल दो चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, तो हमारी जो ऑडियंस है वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करती है ना, तो उसका सीधा सा जवाब यही है कि जो भी आप नेगेटिव बोलेंगे या गलत चीज़ बताएंगे तो आपको एक नेम और फेम, एक मार्केटिंग मिलेगी, है ना, उस मार्केटिंग को मतलब ग्रैब करने के लिए, उस मार्केटिंग तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें हैं कि भाई वो मिसगाइड करते हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचेगी, कुछ वो कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे, है ना, कि भाई उन्होंने ये चीज़ गलत बोली थी या ये गलत बोली थी, तो लोग आएंगे उनके पास, उन्हें देखेंगे, तो यही वो लोग चाहते हैं। एक सर ये होता है कि सुबह जल्दी भागने के चक्कर में अक्सर वो चीज़ें छूट जाती हैं जो सुबह ज़रूरी होती है। बिल्कुल। ऐसा कोई मतलब जो कम समय में बन जाता है और उस शरीर को अच्छा न्यूट्रिशन भी दे, ऐसा कोई फूड? दलिया है सबसे अच्छा है, दलिया आप खाइए, पोहा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है ना, पोहा खाइए, दलिया खाइए, ये 10 से 5 मिनट इनमें लगते हैं बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। आप कोई भी बेसन का चीला बना के, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रेडी टू मेड पेस्ट आते हैं, वो बना के आप वो खा सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, ज्यादातर युवा, ज्यादातर पुरुष गंजेपन का शिकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, कैसे रोका जाए मतलब, और रीज़न क्या है? तो रीज़न बेसिकली है कि जितने भी केमिकल वाले प्रोडक्ट आते हैं, है ना, जितने भी आप हेयर ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, अब हम वो नेचुरल जो हमारे मतलब जो मम्मी हो गए, पापा हो गए, दादा दादी जो यूज़ करते थे ऑयल्स, वैसे ही ऑयल्स अब नहीं आते हैं, अब मार्केटिंग में मतलब नए नए मार्केट में चल रहे हैं, है ना, तरह तरह के ऑयल चल रहे हैं, शैम्पू तरह तरह के आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, बैंड सब्सटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वो यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स में, तो वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरा, जितने भी आजकल यंगस्टर्स हैं वो हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हीट वेव्स निकलते हैं ना, तो वो डैमेज करते हैं हमारे हेयर को। जो मतलब बिना हीट के भी चलता है, डेफिनेटली हाँ तो आता है, क्या वो भी हार्मफुल है? नहीं, वो हार्मफुल नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि उसको आप मतलब हीट पे ना रख के आप उसे नॉर्मल अगर ड्रायर को आप चलाते हैं, बट बेसिकली स्ट्रेट करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अगर हम हीट का ना यूज़ करें फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ड्रायर को भी, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मेरा मैं तो यही कहूँगा कि आप नेचुरल अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं बालों में, है ना, हफ्ते में एक बार ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, और मतलब नेचुरल ऑयल का यूज़ करें बेसिकली। एक और सर, आजकल पता नहीं स्कैम है क्या है, मार्केट में चला हुआ है कि बहुत तरह के ऑयल हैं, एक आदिवासी ऑयल आता है, क्या मतलब ये सही है कि गलत है? नहीं देखो, पर्सनली मैंने मतलब कभी इसके बारे में ऐसा कुछ यूज़ ना तो यूज़ किया है ना अपने आसपास के लोगों से ऐसा सुना है, कुछ ऐसा नहीं बता पाऊंगा कि भाई वो अच्छा है नहीं है। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे फ़ायदा होता होगा ज़रूर, बट अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जाने से पहले सौरभ, एक तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टेइंग फिट, और भगवान करे आपका जो ये बिजनेस है ऊंचाइयों को छूता रहे। तो जाने से पहले यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इन जनरल, एंड स्टार्टअप्स चाहे वो हो जाएं लोगों के, या आजकल लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे चूज करें कि हमें क्या लाइफ में पाथ लेना है, तो यूथ को एक मोटिवेशनल मैसेज आपकी साइड से क्या जाएगा? यूथ के लिए मेरा बेसिकली मैसेज ये है कि मतलब लोग सोचते बहुत हैं ना, सोचना मतलब स्टार्ट करते हैं कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, आइडिया सबके पास है ना, आइडिया सब लोगों के पास होते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन,
है ना, कि अब मैं भी सोचता हूँ, चार लोग सोचते हैं कि मैं ये वाला बिजनेस कर दूँ, लेकिन सोचने से काम नहीं होता है ना, एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एंड तक लेके जाएं। अगर हम किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन के साथ में अगर हम उसे एंड तक लेके चले गए तो 99.9% चांस है कि वो बिज़नेस या कोई भी काम सक्सेसफुल होगा। प्रॉब्लम यही है, मेजर प्रॉब्लम, कि हम एग्जीक्यूशन नहीं करते। हम सोचते बहुत हैं, सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, करते नहीं हैं, करना नहीं चाहते। तो देखिए, सौरभ जी ने हमारा जंक बंद करवा दिया, हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ शुरू करवा दी, अब उन्होंने हमारा सोचना बंद करा दिया। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप कोई चीज़ दिल से करना चाहते हैं तो एक्शन में लाइए उस चीज़ को, और उस चीज़ को एंड रिजल्ट तक लेके जाइए, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच सौरभ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड विशिंग ऑल आर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी डे अहेड। Thank you.